Hi. Good morning, good afternoon, good evening. आप देख रहे हैं The Venture Story and this is the episode 7. आज हम डिस्कस करने वाले हैं business and startup news. We are going to discuss about ISRO, Amazon and a few other major deals by Facebook. तो एंड तक बने रहिए इस एपिसोड में और एक एक करके हम अपना एनालिसिस और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है केतन वीर शर्मा और आप वेंचर स्टोरी को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके यू कैन गेट सम डिटेल्स अबाउट मी एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो पहली न्यूज़ जो आज की आ रही है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम Amazon। Amazon ने एक स्टार्टअप है जिसका नाम है Zoox, ZOOX Zoox, इसको बाय कर लिया है फॉर $1.2 billion ने। Zoox एक प्राइवेट कंपनी है, USA बेस्ड है, ये एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करती है। 2014 में इसको फाउंड किया गया था बाय टिम एंड लेविंसन। दिस इज़ हेडक्वार्टर्ड इन कैलिफोर्निया एंड इसका जो मेन प्रोडक्ट जो है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और आप जैसे अपनी स्क्रीन पर इस टाइम पे देख सकते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड फंडिंग ऑफ अराउंड 200 मिलियन इन 2016 एंड 2016 में ये ऑर्गेनाइजेशन एक 2016 और 17 में ये ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिकॉर्न स्टेटस इसने अचीव कर लिया था। तो अमेज़न ने इस वेंचर को ख़रीदा है। कुछ मेन जो इसके बारे में इस टाइम पे न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में वो ये है कि ये इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, रोबो टैक्सी प्रोजेक्ट, उसके लिए काफ़ी Zoox फेमस हुआ था और अमेज़न ने इसको बाय आउट कर लिया है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स इसके काफ़ी यूनिक हैं, काफ़ी इनोवेटिव हैं, इनका डिज़ाइन बहुत ही स्लीक है, लीन है और इनके जो व्हीकल्स होते हैं उसमें कहा जाता है कि ये बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, ये सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स हैं। और दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप विल क्रिएट अ न्यू इंडस्ट्री फॉर रोबो टैक्सीज एंड ये एक राइवल हो सकता है टेस्ला का। और इसको लेके इस टाइम पे कुछ इनके विवाद भी चल रहे हैं, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसके हेडक्वार्टर्स और अदर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दिस इज़ द प्लेस वेयर इट इज़ लोकेटेड। इट इज़ क्वाइट अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अ पॉश एरिया इन विच दे आर हैविंग देयर हेडक्वार्टर इन द कैलिफोर्निया रीजन। सो इस टाइम पे अब हमें समझना ज़रूरी है कि Zoox काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्यों है अमेज़ॉन के लिए और इसका टेस्ला से क्या लेना देना है। सो बेसिकली ऑन March 20th, 2019 टेस्ला फाइल्ड लॉसूट अगेंस्ट Zoox एंड सेवरल नाउ फॉर्मर टेस्ला एम्प्लॉयज हु लेफ्ट टेस्ला फॉर एम्प्लॉयमेंट एट Zoox। सो बेसिकली ये टेस्ला के ही एम्प्लॉयज थे और इन्होंने टेस्ला को लीव आउट कर दिया एंड उसके बाद इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी फॉर्म करी जिसका नाम Zoox रखा। और बेसिकली टेस्ला का कहना है एंड मिस्टर एलॉन मस्क जो उसके CEO हैं उनका कहना है कि कुछ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, कुछ प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन जो है और ट्रेड सीक्रेट्स जो हैं रिलेटिंग टू वेयर हाउसिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स एट्सेट्रा वो लीक आउट किए गए हैं, उसका थेफ्ट किया गया है इन एम्प्लॉयज़ के द्वारा। इसमें CEO और बाकी जो को फाउंडर्स हैं उनका नाम भी था। और 2019 में Zoox ने नए एक CEO आयशा इवांस को इन्होंने प्लेस किया। They were previously the chief strategy officer at Intel.
तो ये एक इनका कंपटीशन इस टाइम पे चल रहा है, जेफ बेजोस एंड एलन मस्क का भी। एलन मस्क का कहना है कि जेफ बेजोस इज जस्ट ट्राइंग टू कॉपी हिम। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कंपैरिजन हमने स्क्रीन पर शो किया है। वी हैव द सीईओ ऑफ स्पेसएक्स वर्सेस द सीईओ ऑफ अमेज़न। जेफ बेजोस की नेटवर्थ वैसे तो 111 बिलियन यूएस डॉलर्स है और एलन मस्क की नेटवर्थ इज जस्ट अराउंड 22 बिलियन, बट एलन मस्क को इस टाइम पे सदी का सबसे बड़ा इनोवेटर बोला जाता है, स्पेशली क्योंकि उनके प्रीवियस स्टार्टअप जो हैं, जो भी रहे हैं, चाहे वो पेपैल हो, चाहे वो स्पेसएक्स हो, या बोरिंग कंपनी हो, या टेस्ला हो, सो ही इज़ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। और उन्हीं के एकदम एग्जैक्टली पैरेलली उस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं जेफ बेजोस। सो दिस इज अ स्टेटमेंट दैट एलन मस्क released about Jeff Bezos. It was that Elon Musk trolls Jeff Bezos, calling him a copycat after Amazon acquires self-driving car startup. So this is the game going on. This is basically Jeff Bezos versus Elon Musk, Zooks versus Tesla, and Blue Origin versus SpaceX. So let's see how this thing goes ahead. तो अब हम अगली न्यूज़ पर आते हैं जो कि है इसरो के बारे में, दैट इज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है, और दैट इज़ रिलेटिंग टू इसरो एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो एक नया रेगुलेटर इंडिया को स्पेस इंडस्ट्री में मिलने वाला है, जिसका नाम रखा गया है इन स्पेस, INSPACE, इन स्पेस। इसको बोला जा रहा है कि जो इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन की समस्या जो बहुत टाइम से जो है, जो इंडियन साइंटिस्ट दे यू नो माइग्रेट टू यूरोपियन एंड द अमेरिकन कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, सो बेसिकली उसको कर्ब करने के लिए इन स्पेस नाम का एक न्यू रेगुलेटर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, और इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स टू एंटर इनटू द स्पेस सेक्टर। इट विल क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर द न्यू स्टार्टअप्स टू जॉइन द स्पेस एंडेवर्स। इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी इंफॉर्मेशन इसरो के चेयरमैन मिस्टर के सिवन ने रिलीज़ करी है। बेसिकली थोड़ी हम इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसरो के बारे में ले लेते हैं। इसरो वॉज फाउंडेड ऑन 15th of August 1969, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स पहले। इसका आज की डेट में हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है, कर्नाटका में। एंड इसकी जो चेयरमैन है वो है मिस्टर के सिवन। इसके प्राइमरी स्पेस पोर्ट्स सतीश धवन स्पेस सेंटर एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो की डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जिसके अंडर एक और चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक और रेगुलेटर इन स्पेस जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इसरो का बजट अराउंड 2 बिलियन यूएस डॉलर्स है 2020-2021 में, एंड दे हैव अ स्टाफ ऑफ मोर देन 17,000 पीपल। यू कैन ऑल्सो सी ऑन स्क्रीन मिस्टर विक्रम साराभाई, द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ INCOSPAR, which would later be called ISRO. तो बेसिकली इस टाइम पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ISRO को स्प्लिट किया जा रहा है, तो वो न्यूज़ थोड़ी सी वो इंटरप्रिटेशन गलत होगा, क्योंकि ISRO इज़ ऑलरेडी फोकसिंग मोर ऑन रिसर्च। इस टाइम पर ISRO के साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली अब जितने भी रॉकेट्स इंडिया के
स्पेस में जाते हैं, द कैरियर दिस ट्रांसपोर्ट जो है फ्रॉम अर्थ टू स्पेस, ये आज की डेट में इंडिया ने इसको परफेक्ट कर लिया है, इसरो ने इसको परफेक्ट कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अब हमने जो ट्रांसपोर्ट का जो सेगमेंट है उसको NSIL को हमने हैंड ओवर कर दिया है, ऑलरेडी 2017-18 से ये प्रोसेस में था। एंड इसरो का मेन काम होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ताकि वो अपने कोर एक्सपर्टीज पे फोकस कर सके। एंड आज की डेट में अब जब हमारे पास में इन स्पेस भी आ चुका है, सो वी वुड बी हैविंग अ ग्रेट काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप्स एज वेल एंड टू बूस्ट द स्पेस सेक्टर। एंड द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड रिफॉर्म्स टू एनहांस सोशियो इकोनॉमिक यूज ऑफ स्पेस एसेट्स एंड एक्टिविटीज विच वुड इंक्लूड एक्सेस टू स्पेस एसेट्स डेटा एंड फैसिलिटीज। This is to help the students who also are creating satellites and they want facilities which were not available in India earlier. This is to help stop the brain drain. तो हम इसरो को इस टाइम पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं एक नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक नई रेगुलेटिंग बॉडी के लिए, और थोड़ा सोचने के लिए स्टार्टअप सेक्टर के बारे में भी। That's a good news. So, आप देख सकते हैं, we are displaying on screen vehicle Mark 3. This is intended as a launch vehicle for the crewed missions under the Indian human space flight. Human space flight आने वाला है और उससे पहले आने से पहले काफ़ी आपको हलचल इस टाइम पे स्पेस सेक्टर में होता दिखाई देगा, एंड इन स्पेस भी उसी का एक पार्ट है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं स्पेस इंडस्ट्री की इस टाइम पे, तो ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हेडिंग चेयरपर्सन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एंड आफ्टर दैट कम्स द स्पेस कमीशन, दैट देन कम्स द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड इट हैज़ गॉट टू PSUs, दैट वन इज NSIL एंड अदर वन इज अंतरिक्ष, एंड देन देयर आर अ फ्यू ऑटोनोमस बॉडीज, then there is ISRO council, and then there are a lot of ISRO centers and units. तो अब इसमें placement देखना पड़ेगा कि जो नया in space जो regulator आ रहा है कि उसका placement कहाँ होगा और वो इस organizational structure में कहाँ पर fit होगा। So let's stay optimistic and let's hope for a better future for our Indian startups venturing out in the space domain. So these are the various countries with which we have a formal cooperative agreement in the form of memorandum of understanding, aur jisme include karti hain China, Canada, Egypt, France, Germany, Israel, Italy, United States, Malaysia, Russia and United Kingdom, Venezuela and including Syria as well, and there are other countries as well जिनके साथ हमारे टाइप्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमारा क्लाइंटल है, और उसको और हार्नेस करने के लिए, उसको और उसकी नीड्स को केटर करने के लिए वी हैव कम अप विद द नेक्स्ट सॉल्यूशन. That is the in space. You can pause this particular page and you can read about it. So coming to the next startup that is coming to the next news that is coming from Facebook. Facebook has bought Mapillary. Mapillary एक street mapping startup है जो 2013 में 7 साल पहले launch किया गया था. एंड इसके इनिशियल डेवलपर्स जो हैं वो फेसबुक ही हैं, एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन Mapillary ये वेब मैपिंग करता है, ये एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़, ब्लैकबेरी, हर मोबाइल मेजर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। Mapillary के पास 190 कंट्रीज़ का डेटा है, which they classify as the world's largest and most diverse data set for object recognition on street level imagery.
एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट इनके पास है। मैपलरी को जो फंडिंग है दैट वाज गिवन बाय अटोमिको, सिकोया, एलडीवी, प्लेफेयर, बीएमडब्ल्यू। एंड ये एक ऐसी कंपनी जिसको एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 100 स्टार्टअप्स टू वॉच में भी रखा गया है। आप देख सकते हैं इनकी अभी ऐसे इस टाइप की एक मैपिंग है, एंड ये जून 2020 की एक इमेज है। अब इसको ये और एनहांस करने वाले हैं। एंड इट इज़ अ स्वीडिश स्टार्टअप दैट यूजेस सॉफ्टवेयर टू टेल विच फोटोज आर टेकन एट ग्राउंड लेवल, व्हाट इज इन द फोटोज दैट इज टेकन एट द ग्राउंड लेवल। एंड काफ़ी मतलब इनका कॉम्प्रिहेंसिव एक मैपिंग में है। अब फेसबुक को एक काफ़ी ज़्यादा अपने टेक इकोसिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है आज की डेट में। सो दे थॉट द इजी सॉल्यूशन इज़ नॉट टू क्रिएट अनदर मैपिंग सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स। दे कैन वेरी इजिली यू नो बाय समथिंग आउट एंड दैट इज़ व्हाट दे हैव डन। सो Here we end with the startup news. Now the next segment is about the this day in history. तो आज के दिन 1869 में first time Japan ने official currency को adopt किया था अपना, जिसका नाम yen रखा गया था। और आज ही के दिन उन्होंने अपने previous जितने भी notes use हो रहे थे उनको shut down कर दिया था और एक नई currency को circulate करना start किया था। So that was in 1871 that was finally they adopted to this currency on this day. So this is all about the startup and business news. I hope aapko aaj ka episode pasand aaya hoga, ye naya format pasand aaya hoga. aap apne comments zarur share karna, बताना ज़रूर कि कैसे पसंद आया या नहीं आया, या कंटेंट में क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स हमें करने चाहिए। Feedback is very important, so write down in the comment section below. I hope you are staying safe and healthy. तो आज इसी पे आज का एपिसोड एंड करते हैं। मेरा नाम है केतनवीर शर्मा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, शंपा खैर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। Have a nice day. Your place on fire.
let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Get a little bit of gasoline. Welcome to another garage sale. It's so hot, I'm gonna your place on fire. Let's get higher.